हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सब स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक मीशो हॉल। मीशो से मैंने कुर्ती परचेज़ करी है और साथ में एक ज्वेलरी भी परचेज़ की है, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ती से। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे दिए हुए कोड से अगर आप मीशो डाउनलोड करते हैं तो आपको 30% ऑफ तक मिल सकता है आपकी पहली परचेज पर। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीशो से ये ख़रीदा है मैंने एक ब्यूटीफुल सा कुर्ता। ये देखिए कितना प्यारा येलो कलर है ना, हल्दी वाला येलो कलर है। ये देखिए इसमें आपको एक ये गोल राउंड नेक मिल जाता है। राउंड नेक के साथ में ये बटन पट्टी है, जिसमें बटन से आगे डिटेलिंग कर रखी है, लेकिन ये ओपन नहीं होती, ये सिर्फ इतना ही पार्ट इसका खुलता है, बाकी सारा नीचे का स्टिच है। ये देखिए बाकी कुर्ता बिल्कुल प्लेन है। ये देखिए कितना प्यारा कुर्ता है। और ये मेरे को रॉन्ग डिलीवर हो गया है, ये मुझे 3XL, 1XL बड़ा आया है मेरे को। और इस कुर्ती में एक अच्छी बात ये है, अगर आपको ये कुर्ता पसंद आता है, इसमें साइज़ में कोई कंजूसी नहीं है, साइज़ आपको 5XL 6XL तक अवेलेबल है इस कुर्ते में। तो साइज़ की बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। स्लीव्स की बात करें, 3/4 इसकी स्लीव्स है। ये देखिए लास्ट में इस तरीके से आपको उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी जिस तरीके से नेक पे हो रही थी। नेक पे देखिए कितनी प्यारी पिंक और ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी से इसको उभरा हुआ काम है, बिल्कुल फिनिशिंग वाला काम है। ये देखिए बहुत ही प्यारा काम है, कोई चुभने वाला नहीं, कोई कुछ काम नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल गर्मियों के पर्पस का कुर्ता है ये, आप इजीली इसको वेयर कर सकते हैं, इजी टू वॉश है, कहीं नहीं जाने वाला। पीछे की बात करें तो पीछे देखिए बिल्कुल प्लेन कुर्ता है। ये देखिए बिल्कुल प्लेन कुर्ता है बिल्कुल, लेकिन इसमें पीछे ये देखिए आपको अलग से दिख रहा होगा, एक ये डिज़ाइनिंग की डिटेलिंग की हुई है उसमें, अलग से तीरा लगा के। ये देखिए जैसे शर्ट्स में होता है ना, अलग से तीरा लगा होता है, तो इसमें भी उसी तरह का कुछ लगा के, उसी तरह का तीरा लगा रखा है आई थिंक। तो उससे क्या है, ये अच्छा सा लुक दे रहा है, कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। ओवरऑल कुर्ता बहुत अच्छा है, गर्मियों के पर्पज़ का कुर्ता है, तो आप इसको ज़रूर बाय करें। ईजी टू वेयर है और रेंज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। बाकी का लुक आपको ट्राई ऑन में नज़र आ ही गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। कॉटन की इसकी कपड़े की बात करूं तो इसका कॉटन लीलन इसका कपड़ा है, ऑब्वियसली गर्मियों के मतलब का कपड़ा है। ये देखिए बिल्कुल गर्मियों के मतलब का कपड़ा है, ट्रांजी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको ईजी वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें से नहीं है, थ्री सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इजली इसको गर्मियों में बिना किसी नीचे पहने हुए वेयर कर सकते हैं। अगला कुर्ता है मेरा ब्लू कलर का, फिर से वही एम्ब्रॉयडरी कुर्ता। ये देखिए ब्यूटीफुल सा कुर्ता है, रेयॉन का इसका फैब्रिक है और इसमें नेक पे योक पार्ट पे आपको इस तरीके से थ्रेड वर्क से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही प्यारी। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना फाइन और कितना प्यारा वर्क किया हुआ है इसमें। ये जो अच्छी बात ये है, इसमें यहाँ पे बटन नहीं है, ये देखिए इसमें बटन नहीं है, ये मैं आपके आपको दिखाती हूँ, ये इसमें आगे जो आपको लग रहा है ना, ये बटन नहीं है, ये जो है एम्ब्रॉयडरी से ही बटन का लुक क्रिएट किया हुआ है, जिससे क्या है कि कुर्ता बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, इसकी कढ़ाई भी कहीं जाने वाली नहीं है और जो बटन की डिटेलिंग है वो भी कढ़ाई से फिनिश की हुई है, बटन कहीं नहीं जाएंगे, उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्लीव्स की बात करें तो 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएगी, स्लीव्स के एंड पार्ट पर इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी जैसे आपको योक पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। अगर इसकी चाक की बात करें, ये देखिए इसके स्लिट पार्ट पे भी इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी है, सेम जैसे कि आपको स्लीव्स पे और योक पे मिली थी, योक पार्ट पे। ये देखिए दोनों साइड में स्लिट पे सेम इसी तरह का वर्क हो रखा है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है कुर्ता। ये देखिए पीछे से कुर्ता बिल्कुल प्लेन है, कोई इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये देखिए फुल लेंथ कुर्ता है, अगर आप लॉन्ग कुर्ती पहनना पसंद करते हैं तो आप लॉन्ग इसको एज अ लॉन्ग कुर्ती पहनिए, और अगर आप शॉर्ट पहनना चाहते हैं तो काट के छोटा कर लीजिए ऑब्वियसली। तो
कुर्ती बहुत अच्छी है, रेयॉन की कुर्ती है। कलर वाइज इसमें आई थिंक 2 से 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, और साइज़ की बात करें तो आपको 5XL तक इसमें साइज़ भी अवेलेबल हैं। दोनों कुर्ती बहुत अच्छी हैं, मुझे ओवरऑल बहुत पसंद आई हैं। आप भी ज़रूर चेक करें दोनों कुर्तों का। इस कुर्ते का लुक भी आपको ट्राई ऑन में बाकी नज़र आ ही गया होगा। दोनों कुर्तियों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कोड दे दूँगी, क्योंकि मीशो में लिंक नहीं होते, कोड्स होते हैं, तो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक करके कुर्ती परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही थी मैंने एक ज्वेलरी देखी है, परचेज़ की है, जिसके इयररिंग्स मैंने इसमें वेयर कर रखे हैं, ये देखिए, और ये देखिए छन 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 बज रही है, आपको अच्छे लग रहे हैं। लोटस स्टाइल में ये इयररिंग्स हैं, ये देखिए, और इसका प्यारा सा ये है नेक पीस, ये नेक पीस है इसका, ये देखिए, ये भी आपको सुनाई दे रहा होगा छन 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 बज रहा है, बहुत ही प्यारा पीस है। और सबसे अच्छी बात इसमें पीछे डोरी दी हुई है, वो भी काले धागे से बनी हुई, जो कि गर्मियों में आपको ना तो चुभेगा ना कुछ होगा, इजीली आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसमें जो है ब्लैक कलर की का भी दे रखा है, एक एक गोल्डन काम है, जैसे मुझे गोल्डन पसंद आया था, मैंने गोल्डन ख़रीदा है। अगर आपको ब्लैक ज्वेलरी पहनना पसंद है तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए, एक मिनट मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। देखिए मैंने वेयर कर लिया है, कितना प्यारा लग रहा है, और विद इयररिंग्स कितना सुंदर लुक दे रहा है। आप इसे हल्के फुल्के फंक्शंस में, शादी में, कहीं पे भी जा सकते हैं, आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अगर आप ये देखिए, अगर आप इसकी ब्लैक कलर पसंद करते हैं पहनना, तो ब्लैक में मंगाइए, ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे गोल्डन कलर ज़्यादा सूट कर रहा था। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप परचेज़ ज़रूर करिएगा। इसका भी मैं कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये देखिए इस प्यारी सी डिब्बी में ये पैक होके आया था, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। तो आज का वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो बाय।